सोक्यों मंद किए जित जमे राजा जित जमे राजा। विशेष गुण होंगे ने ना, एक होंगे इतिहास साखी चले, वो मैं थोड़ी जी आप जाना करती सा जी। एक होंगे उन्होंने जीवन के अंश जेडे राइटर ने सारे ग्रंथा चो लैके दसने किते है, वो चार कह गया जी। वो दिल करता आप जी अगे ये माता नानकी जी दे बड़े वड्डे जिन्हां नाल साढ़े घर सुधार होंदा, जागृति आती है। जे कोई मैं कहना गलती नहीं भी छड़दा ना कोई बीबी, उन्नू चानना जरूर हो जाता भी आ गलती हैगी। आखो साधना हाँ, क्योंकि मैं नोट किया जेड़ा जेड़ी बच्ची भी अपने घर दे विच विगड़दी है ना, उन्हूं गलत गलत संग विगाड़दा है। वो टीवी ते हो जाए, कोई गलत सहेली दा हो जाए, नोट करे टीवी ते कोई वेख लेगी ना बच्ची घर च ए गल कही सस ने ते नूह ने आ जवाब दिता, सस चुप ही कर गई, आ बोली आ जवाब वो दिमाग च पै जाती। कल घर च गल होंगी ओह चीज जी दिमाग च पई होंगी ना टीवी ते सीरियल च वेख के, ओही फिर जवाब दें दी जिहदे नाल घरां दे विच शांति उड़दी जा रही है। ए चंगा संग गलती कोई ना भी छड़े, मैं कहना एक पौड़ी चढ़ जाएगा गलती का चानना जरूर हो जाएगा। आखो साधना चानना जरूर हो जाएगा। हौली हौली फिर भावें उतर भी आ जाए। वो चार चीजा इन्होंने जीवन च बड़िया उचिया, वो बोल के समाप्ति है जी। सो क्यों मंदा आगे, जित जमे राजा जित जमे राजा। आखो सतनाम माता नानकी जी दे, गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी। अनेकां गुणां चों मैनूं आ एक गुण बड़ा अजीब जापिया जी, जिहड़ा साढ़े घरां च इक इनकलाब लिया सी। इन्हां दा जदों विआह होया आ गए सहुरे घर, ये मैं पढ़ के हैरान हो गया, ये माता नानकी जी दे सस हो गए माता गंगा जी, छेवें पातशाह दे माता इन्हां दे सस हो गए। तुसीं हैरान होवोगे, दो ड्यूटियां
बाकी घर दी ड्यूटियां भी संभालियां पर ए दो ड्यूटियां अजीब लगियां ए मैं बोलणियां चाहना। ए माता नानकी गुरु तेग बहादुर दे माता जी छेवें पातशाह महल व्याह तों एक दो दिन बाद ए दो ड्यूटियां संभाल लिया केड़ियां अपनी सस माता गंगा जी पहली ड्यूटी संभाल ली कि माता गंगा जी आज तो बाद आ सेवा मेरी झोली च पा दिओ कि सवेरे अमृत वेले तुसी जिने बजे उठदे हो इशनान दी सेवा मैं करनी है। बड़ी वड्डी गल जी आपस साथ बहुत वड्डी गल है। एक आ लिखिया दूजा लिखिया माता गंगा जी अपनी सस अगे झोली अड ली एहो जे घर दसो नरक बन सकदे सचखंड ही बनणगे। ये माता नानकी नूह होए माता गंगा जी सस होए इक ते आ सेवा झोली च पाई भी सवेरे इशनान मैं कराउणा तुहानू ते दूजी की सेवा मंगी माता गंगा जी नूं कहण लगे जी दूजी सेवा मेरी झोली च पा दिओ कि जदों तुसी राती लेटणा अद्धा पौणा घंटा भाई वीर सिंह ने लिखा मुठ्ठी चापी आखो सतनहां तुसी मुठ्ठी चापी समझदे ही हो लत्तां घुटणियां बाहां घुटणियां शरीर घुटणा इहनूं छोटी गल ना समझो। साडे गुरु दे परिवारक कई इतिहास एहो जे ने जे असी उहनां नूं प्यार नाल सुण के पतासे वर्गा सत्संग कर लईए मैं कहना साडे घर सचखंड बन जाणे। उहनूं जिहड़ी सौण तों पहलां अद्धा पौणा घंटा सस दीआं लत्तां मुठ्ठी चाबी सेवा बाहां घुटणा तुसीं दसो उह घरां दा की वखरा ही आनंद होएगा आखो साधन वखरी बात ही होएगी। और ये चीज नूं छोटा ना समझे कुदरती भाई जसविंदर सिंह पता दिहाड़ा लंघिया भाई तारू सिंह जी का शहीदी आखो साधन मैं नहीं पता चुपहरे तुहाडे तो कौन आया कौन नहीं भाई तारू सिंह का स्थान पूले सा और सारी जो तुसी आ गोलक च माया पाते हो वाजे ते रखते हो उत्थे अस्थान की सेवा सतगुरु तुहाडे तो लै रहे है। ते डेढ़ घंटा समा सी भाई पिंदरपाल सिंह आखो सतन हाँ चुपहरे में डेढ़ घंटा उन्हां दी हाजरी सी उन्हां रुआता संगत रुआता संगत वो कहिंदे भाई तारू सिंह जी दे जीवन विच्चों वड्डी खुशबू केसां दी भी खोपड़ी समेत वो कहिंदे फिर दो ऐ सिंह होए ने बाबा दीप सिंह भाई तारू सिंह जिन्हां ने जो बचन कीता ना ते कलगियां वाले नूं पूरा करना पिया। बाबा दीप सिंह ने बचन कीता सी मौत नूं मजाक कीता सी तद तक नहीं मरांगा जब तक गुरु रामदास तेरे चरणा च शीश ना दे ते तली ते भी रख लिया आखो साधन बचन सिख दा पूरा कीता। भाई तारू सिंह जी ने जकरिया खान नूं कहा सी उन्हें कहा सी भी तेरे मैं दाड़े ते सिर ते तू केसां दा इंज कहना जुत्तियां मारां भाई तारू सिंह ने बचन करता वे तू मेरे केसां ते जुत्तियां की मारनियां जा बचन करदे आ तैनूं जुत्तियां मारदे आ मैं दरगाह च बाद जावांगा तैनूं पहलां भेजांगा। 22 दिन खोपड़ी लत्थी ते रहे रामगढ़िया धर्मशाला लाहौर पाकिस्तान 22 दिन भाई तारू सिंह उन्हां 22 दिनां विच ही जकरिया खान का पेशाब बंद होया फिर वो अपना खालसे ने हुक्म लाया गए भी इहदा कोई सोचो उन्हें कहा फिर बचन किया सिख ने ओदियां जुत्ती लिया के सिर ते मारो ते इहदा पेशाब आया वो ज्यों ज्यों जुत्तियां वजनियां भाई तारू सिंह दियां ते उहदा पेशाब आउणा सौखे होना उन्हें कहना होर जुत्ती मारो आखो साथ उहदे नाल ही 21वें दिन जकरिया खान गया ते 22वें दिन सिख दा बचन पूरा होया तैनूं जुत्तियां मार के पहले भेजांगे तू सानूं की मार आखो सतनहां। ते मैं एक गल कर रहा उन्होंने फिर भाई तारू सिंह के कई जीवन के अंश रखे एक अंश ऐसी
भाई तारू सिंह गिरफ्तार क्यों किया? क्यों गिरफ्तार किया? आ कारण सी गुरसिखां दी सेवा करदे आए गए गुरमुखां गुरसिखां सिखां दी सेवा करदे सी, उन्हां नूं प्रशादे पाणी वस्त्र उन्हां दे कशहरे धोणे, और इहदा इन्ना महत्व जे कि कहते बाबा ठाकर सिंह जी नूं पुछो, ब्रह्म ज्ञानी दमदमी टकसाल दे बाबा ठाकर सिंह जी सवेरे उठ के जो नेम सारा विद्यार्थियों का नेम सारा 6:30-7 बजे विद्यार्थियों नूं दुध आप छकाउंदे, पंगतां ला के जो जल पानी आप छकाउणा, उन्हां कहना सारिआं वी इह विद्यार्थी है बाबा ठाकर सिंह जी, तुसीं आप महापुरश हो ते विद्यार्थियों नूं आप छकांदे हो। उन्होंने आखना कि यह मैं विद्यार्थियों की सेवा नहीं कर रहा, यह खालसे की सेवा कर रहा। आखो सतना साडा सिखां च आपां च एडा प्यार होवे, एडी मुहब्बत होवे, एक दूजे की सेवा भावना। भाई तारू सिंह सेवा करते से, जदों उन्होंने गिरफ्तार करना है तो उन्होंने मां ने तो सिपाहियों भी कहा सी गिरफ्तार कर ले, जाता नहीं भाई तारू सिंह गया खेतों, पर तुसी प्रशादा छक लो। दुश्मन नूं भी कहा भी आया तू भी प्रशादा छक लै। आखो सतना भाई तारू सिंह जी का कारण भी तू सिखां दी सेवा। जिन्नियां संगतां बैठियां जे इशारा लैणा, यह बड़ी वड्डी महान है, गुरमुख परोपकारी विरला आया। यह माता नानक जी नूं किन्ना धन कहीए जिन्होंने यह दो चीजां से झोली अड्डी, मेरे घर विच ही गुरमुख सस है ते मैं ओदी सेवा क्यों ना झोली च पावां। माता गंगा जी अपनी सस नूं कहंदे आ जी दो सेवा मेरी झोली च पा दिओ, इक इशनान मैं तुहानूं कराउणा सवेरे, इक राती अद्धा पौणा घंटा मुठ्ठी चाबी करांगी ते फिर अपना सौवांगी, पहले आप जी दी सेवा। आखो सतनाम। ये पहला गुण मैनूं बड़ा अजीब लगा, मैं तां तुहाडे नाल सांझा कीता। तीन गुण 2 मिंट विच जी। गल मैनू बड़ी लगी जी, जदों करतारपुर तो कीरतपुर, कीरतपुर तो फिर करतारपुर, करतारपुर माता नानकी अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी नूं, हुण इह गल मैनू बड़ी लगी वधिया, शस्त्र विद्या सिखाण विच राइटर ने लिखा शस्त्र विद्या सिखाण विच ते निपुण करन विच पूरा जोर लाया, पूरा आला दुआला बनाया। क्यों बनाया? इन्हां दे पिता जी ने वचन कीते ये धर्म रखियक होवेगा, सारे संसार दे पढ़दे कजेगा, ते जो उन्हां दा वचन पूरा करन लई मैं शस्त्र विद्या नूं सिखाउणी। आखो सतनाम। हुण इत्थे आ गए ना, मैनू बाबा नंद सिंह का बचन याद आ गया। एक हुंदा वी बचन करता, एक है वह बचन इहदे जीवन च आ जावे मां उस वास्ते मेहनत ला रही। आखो सतनाम। नोट करियो, मां उस वास्ते मेहनत ला रही। हुण इत्थे आ गए, मैनू बाबा नंद सिंह का बचन याद आ गया। बाबा जी का बचन सी इकली किस्मत ही सब कुछ नहीं। ये सुनियो, कई किस्मत ही सुट देंदे आ। किस्मत लिखिया सी जी, यह लिखिया जी मिल ही जाना। हुण छेवें पातशाह ने तो कहा रख्या करेगा धर्म की, पर माता नानकी उन्हूं सब कुछ सिखा रहे हैं कि जिहड़ी चीज रख्या करन लई लोड़ है उहदे विच मैं बच्चे नूं पूरा करना है। आखो सतनाम। ये समझो गल नूं, निपुण करन विच
ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੁਸ਼ਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਿਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਉਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੀ ਟੁੱਕੜੀ ਦਾ ਮੋਹੀ ਥਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁੱਕੜੀ ਦਾ ਮੋਹੀ ਥਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੀ ਦੇ ਮੋਹੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਐਡੀ ਵੀਰਤਾ, ਐਡੀ ਵੀਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾਇਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੇ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ, ਐਡਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਸੱਤ ਵਚਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇੰਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 26 ਸਾਲ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
80 साल की उम्र विच इथों तक गुरु तेग बहादुर की शहीदी भी अपनी अखां नाल वेखी है। आखो सतनाम। वो जिहड़े भाई जेता जी सीस लैके आए वह भी सारा अपने अखी ते जदों सारे रोदन करन लगे माता नानकी कहिंदे रोदन नहीं करना ये अखाड़ा जित के गया मेरा पुत्र। आखो सतनाम। गुरबाणी दे शब्द पढ़ो रुदन नहीं आखो सतनाम। उस तो 3 साल बाद लिखा जी शरीर त्याग गया। आज माता नानकी का इतिहास आप जी ने सरवण किया है। आओ ये पंक्तियां पढ़ के अज 19वां भाग कैसी महान माता गुरु तेग बहादुर जी दे माता माता नानकी जी अज उन्हां दा जीवन तुसी सरवण किया है। कुछ ना कुछ घरां नूं लैके जाना। प्यार नाल बोलो जी सारे जी। सो क्यों मंदा आखिए सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा जित जमे राजा बोलो जी जित जमे जित जमे राजा।